हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन वेक्टर्स कर चुके हैं, वेक्टर्स का एडिशन, सबट्रैक्शन, क्रॉस, डॉट सब कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स की। मैं आपको बता चुका हूँ मेरे लेक्चर्स को कैसे देखना है आपको। ऐसी वर्मा बुक लेके आप बैठ जाओ अपने साथ, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ते भी जाओ, लेक्चर्स भी देखते रहो, पॉज कर लो, पढ़ो, फिर देखो, फिर लेक्चर साथ में पढ़ो ना। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मतलब क्या होता है? अब जैसे भाई, जैसे नाम बोल रहा है सिग्निफिकेंट डिजिट्स, है ना, सिंपल सी बात है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जैसे जैसे तुम्हारी हाइट तुमने मेज़र करी कहीं पे जाके, मान लो तुम्हारी हाइट आती है 5 फुट 7 इंच, ठीक है ना। तो जो 5 फुट 7 इंच की हाइट है, अब तुम इसको बोल सकते हो 5 फुट 7.5 इंच भी बोल सकते हो, 5 फुट 7.5283 इंच भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो जितना ज़्यादा तुम्हारा एक्यूरेट वो होगा, स्केल होगा, उतना तुम मेज़र कर सकते हो। बट जनरली जो हमारा स्केल होता है मेज़र करने का हाइट को, वो हम 5 फुट 7 इंचेस, इंचेस को फिर डिवाइड नहीं करते फर्दर हम, तो वो स्केल होता है। जैसा जब तुम जाते हो, है ना, जब तुम वेट मेज़र करते हो अपना, तो तुम बोलोगे वेट जो तुम्हारा आया वो 66 kg आएगा, या हद मार के 66.5 बोल दोगे, या 67 बोलोगे, या 68 बोलोगे। 66.57842 ऐसा वेट आया मेरा, इतना अपन नहीं बोलते। तो वेट वाले केस में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई? अगर तुम बोल रहे हो कि भाई मेरा वेट 66 है, या तुम बोल रहे हो 67 है, या तुम बोल रहे हो 66.5 है, अगर तुम ये बोल रहे हो तो फिर तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई। तुम ये बोल रहे हो 3 हो गई। अगर तुम्हारा वेइंग स्केल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे तक तुम वेट कर सकते हो मेज़र, है ना, तो फिर तो सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब सिंपल सा होता है कि भाई कितना सिग्निफिकेंस है उस डिजिट का। मतलब अब कोई बोल रहा है कि मेरा वेट है 66.78942 किलो, तो ये सब फालतू की बात कर रहा है ना। 0.78 बाई 66 मेजर, तो दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट एक्चुअली में होगी, ठीक है ना। जैसे एक बार एग्जांपल जो एससीवर में दे रखा है वो ये दे रखा है कि जैसे मान लो मेरे पास स्केल तो नहीं है, जिसको स्केल मान लो, तो मैं एग्जांपल बता देता हूँ। तो जैसे ये दे रखा है ना, ये सब फालतू की बात है। एक लीस्ट काउंट होता है ना, जैसे ये स्केल है तो ये अपना 1 सेंटीमीटर होता है, इसके तो 10 डिवीजन में अपन तोड़ देते हैं, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 मिलीमीटर, मतलब लीस्ट सबसे छोटा, और काउंट ये कितना काउंट कर सकता है, तो 1 मिलीमीटर। तो ये क्या बता रहा है? स्केल है, जैसे स्केल यहाँ तक आई थी 10.1234, 10.4 और 10.5 के मार्क के बीच में आ रहा था ये, लेकिन है ना, तो अपन इसका जवाब 10.4 भी दे देते हैं, 10.5 भी दे देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे मैं तो क्या करता हूँ ना, इस 1 मिलीमीटर के अंदर भी अच्छे से देख लेता हूँ कि इस साइड है कि इस साइड है। तो कुछ लोग हद मार के क्या जवाब दे देंगे, भैया तो 10.4, अपन 10.4 या 10.5 मेजर करेंगे। आज तक अगर तुम स्केल से मेजरमेंट करे हो तो तुमने ऐसे करा होगा इतना सेंटीमीटर। हद मारी हुई बच्चा बोल रहा है मेरी आंखें बहुत शार्प है, तो मैंने इसके 1 मिलीमीटर के अंदर भी कितना आगे कितना पीछे ना उसका एस्टिमेट लगा लिया दिमाग से, तो मेरा आंसर 10.46 है। चलो उतनी भी बात है, कोई क्या ये बोल सकता है ना 10.4674 मेजर कर लिया मैंने स्केल से, सेंटीमीटर में नहीं करा ना। हद मार के कोई क्या बोल सकता है कि मैंने 10.46 सेंटीमीटर मेजर कर लिया? इससे ज्यादा तो हद मार के कोई कुछ बोल नहीं सकता ना, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं बोल सकता, इससे तो कोई शार्प होगा नहीं। तो इसमें ये बोला हुआ कि हम मेंटली डिवाइड कर लेते हैं 1 मिलीमीटर डिवीजन को, 10.46 हमारा आंसर हो जाता है। तो इसमें भी डिजिट्स 1 और 0 और 4 तो सर्टेन है, क्योंकि 10.4 तक तो हमको सबको दिख रहा था, मतलब तुम जब तक कोई अंधा ही नहीं होगा मतलब सबको दिख रहा है, तो 10.4 तक तो ठीक था। 6 डाउटफुल है, 6 डाउटफुल है, बट चलो फिर भी हम क्या करेंगे, हम चारों डिजिट को सिग्निफिकेंट बोल देंगे। हाँ चल ठीक है, 6 का कम सिग्निफिकेंस है, 3 का तो बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है, 3 का तो पक्का श्योर है। तो हमने क्या बोल दिया कि ऑल दिस डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंस, वी से द लेंथ इज मेजर्ड टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है ना। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक मेजर कर लिया। द राइट मोस्ट ऑफ द डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट। ये तो पक्का ही है कि टेंथ में है लेंथ, ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ये सबसे कम सिग्निफिकेंट है 10.46, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन सी है? 1, और सबसे कम सिग्निफिकेंट कौन सी है? 0.4, 0.6, मतलब 6 वाली जो डिजिट, ठीक है ना। तो ये अपना सिग्निफिकेंट डिजिट का थोड़ा सा थ्योरी है, आगे देख लेते हैं, तो कुछ नहीं ज्यादा। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि अभी 600, किसी ने बोला कि मैंने 600 सेंटीमीटर मेजर करा है, 600 सेंटीमीटर मेजर करा है, मिलीमीटर दे रखा है, मैं सेंटीमीटर का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 600 सेंटीमीटर हो सकता है एक ऐसी स्केल से मेजर किया जाए जिसके अंदर डिवीजन ही मीटर्स के हैं। जैसे ये स्केल ली मैंने, ये 0 मीटर था, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर, बीच में कोई डिवीजन ही नहीं है, ऐसे करके 6 मीटर्स तक है, ठीक है ना। तो हो सकता है 600 सेंटीमीटर, मतलब 6 मीटर से, एक तरह से मैं किससे मेजर कर रहा हूँ कि इसी स्केल से मेजर कर रहा हूँ, है ना।
तो इसी जैसे मान लो 600 की जगह 2 ही मान लो, 200 सेंटीमीटर मान लो, 2 मीटर, ये 3 बार मान लो यहाँ पे 3 मीटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, 200 सेंटीमीटर जो मैंने जवाब दिया होगा ना इस स्केल से मेजर करके, तो लेंथ हो सकता है यहाँ से यहाँ तक भी रही हो, तब भी मैं उसको 2 बोल दूंगा क्योंकि ये 2 के पास आ रही है। हो सकता है यहाँ से यहाँ तक भी रही हो, यहाँ तक भी रही हो, तो भी मैं उसको 2 बोल दूंगा कि 2 के पास आ रही है। यहाँ तक भी रही हो तो भी 2 बोल दूंगा, यहाँ तक रही हो तो भी 2 बोल दूंगा, यहाँ तक रही हो। तो तुम देखो कितना ज्यादा वेरिएशन कर सकता हूँ मैं लेंथ के अंदर, इस केस के अंदर 2 के पास रखने के लिए। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है, इस केस में 3 नहीं है। अगर मैंने 200 सेंटीमीटर को 2 मीटर के स्केल से मेजर करा तो उसमें ये 00 का कोई सिग्निफिकेंट ही नहीं है, सिग्निफिकेंस ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये 00 की जगह 211 भी हो सकता है, 242 भी हो सकता है, 198 भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इस एरिया के अंदर 2 मीटर ही आंसर देता मैं। तो इसका जो सिग्निफिकेंट डिजिट है केवल 1 है 2, बाकी ये सब डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है, समझ रहे हो। ऐसे अगर मैं इसको सेंटीमीटर स्केल से मेजर करता 200 सेंटीमीटर को, तो 200 सेंटीमीटर को, या फिर बोलो सेंटीमीटर स्केल नहीं, इसको मैं 10 डिवीजन में और तोड़ देता है ना, तो मीटर और सेंटीमीटर के बीच में एक और स्केल बना दी मैंने, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे रुक जा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे तोड़ देता मैं इसको। तो मुझे पता है कि इसके अंदर है ना, अगर यहाँ पर आता, जैसे मान लो यहाँ पे होता, तो मैं इस चीज का आंसर दे देता, मतलब 200 सेंटीमीटर अगर मैं बोल रहा हूँ तो वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ के बीच में ही रही होगी, मतलब वैल्यू 190 से लेके 210 के बीच में रही होगी, क्योंकि अगर 212 होगी तब मैं, हाँ 212 भी हो सकती है, लेकिन अगर 222 होगी तो मैं आंसर 220 देता, 212 भी होती तो मैं आंसर 210 दे देता, तो वैल्यू इनफैक्ट 195 से लेके 205 के बीच में रही होगी, है ना। तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट डिजिट है ना वो ये भी हो गया कि 2 डिजिट सिग्निफिकेंट हो गए इसके अंदर। अगर मैं इसके अंदर वो वाली स्केल ले लूं जो अपन यूज करते हैं, या फिर 1 सेंटीमीटर की स्केल ले लूं जिसके अंदर 1, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी। तो सिग्निफिकेंट डिजिट आपको ये बताता है कि आपने कितने लीस्ट काउंट तक मेजर करा है ना। तो आगे भी देख लेते हैं, देयर कैन बी सम कंफ्यूजन इफ द जीरोस आर राइट, मेजरमेंट इज क्वोटेड एज 600 मिलीमीटर एंड वी नो नथिंग अबाउट द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमको पता ही नहीं है तो हम बोल नहीं सकते कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है ना भाई। अगर हर मीटर पे मार्किंग है तो 0 मीटर और 1 मीटर के बीच में 6 ऑप्टेन करने आई एस्टिमेट से करा था, 6 ही डाउटफुल डिजिट है और 0 तो इनसिग्निफिकेंट है टोटली, ठीक है ना। बट इफ द स्केल इज मार्किंग सेंटीमीटर, द नंबर राइट इज 60, तो 60 राइट करा, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कितने डिजिट सिग्निफिकेंट है, उस हिसाब से हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि 600 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तुम्हारा आंसर होगा पता नहीं। 600 सेंटीमीटर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है तुम्हारा आंसर होगा पता नहीं, हमको नहीं पता, लीस्ट काउंट बताओ तो हम पता करेंगे। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम में कुछ नहीं दे रखा तो तुम ये मान के चलोगे 600 मेजर करा उसने, इसका मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि 601 सेंटीमीटर मेजर करा या 602 सेंटीमीटर मेजर करा। तो अगर प्रॉब्लम में कुछ नहीं दे रखा, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम ऐसे पूछते हैं कि 600 सेंटीमीटर बताओ और लीस्ट काउंट नहीं दे रखा, तो तुम ये बोलना कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट इसके अंदर है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये और दे रखा है इतना लीस्ट काउंट है उतना लीस्ट काउंट है, तो तुम बता पाओगे कितने हिसाब से किस, देखा तुमसे पूछा कि 600 सेंटीमीटर मेजर कर रहा हूं मैं और मेरा 1 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट था, तो तुम बोल दोगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तुम बोल रहे हो मेरा 1 मीटर का लीस्ट काउंट था, तो तुम बोलोगे 1 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है ना, ये तुम बता दोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द इंटीजर पार्ट इज 0 एनी नंबर ऑफ द कंटिन्यूज आफ्टर। अब देखो यार सिंपल सी बात है, मैं ये बताऊं कि सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने के लिए सिंपल सा फंडा होता है कि किस चीजों को साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक समझते हो नोटेशन, मैं एग्जांपल दे देता हूँ 4-5 नोटेशन के, जैसे 100.234 है, फिर एक है 0.001002 34, फिर एक है 1002 34 00। तो हमको तीनों में बताना है तीनों में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, है ना, और कोई एग्जांपल नहीं बनेगा। डेसिमल बीच में, डेसिमल बहुत आगे और डेसिमल इधर, है ना। तो ये एग्जांपल, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे, तो 1.00234 इंटू टकचिक टकचिक 10 की पावर 2, इसको लिखेंगे तो टकचिक 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 1.00234 इंटू 10 की पावर -3, इसको लिखेंगे तो टक 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 टक, जो भी लिखना है 1.12345678 00234 इंटू 10 की पावर 7। अब यहाँ ये गलती मत करना कि 4 पे छोड़ दो, यहाँ पे 00 भी लगाना है तुमको साथ में, है ना, गायब मत कर देना। तो यहाँ के जीरो से गायब कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जंप करके 1 पॉइंट आएगा, बट यहाँ के जीरो से गायब मत करो। ये 00 तक मेजर हुआ तो इसको सिग्निफिकेंट मान के चलो, मैंने बताया कि अगर देरी रखा तो मान के चलना कि सिग्निफिकेंट लिया ही होगा, ठीक है ना।
तो बस सिग्निफिकेंट अभी इसमें कितने आ गए, एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें छह सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, इसमें कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें भी छः हो गए, इसमें कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात, इसमें आठ हो गए, आठ सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें हो गए। ऐसे करना है जैसे 0.0023 लिया, तो जब तुम साइंटिफिक बनाओगे तो एक दो 2.3 इंटू समथिंग बनेगा, तो 2.3 में टू सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, 1.0 ऑलरेडी साइंटिफिक दे रखा है, इसमें फाइव सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। अब कैलकुलेशंस में बता देता हूँ क्या करना है अपन को, कैलकुलेशंस में जैसे 12.0 अपॉन 7.0 है, ऊपर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तीन, और नीचे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, दो, तो जो आंसर आ रहा है वो ऐसा नहीं आएगा, 1.7 पे आंसर को रोक लेंगे और राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी, तो 1.71 की राउंडिंग ऑफ तो 1.7 ही होगी, 1.8 तो हो नहीं सकती, ठीक है ना, तो 12/7 का आंसर जो आएगा वो क्या कर देंगे, वो दे नहीं रखा क्या, टू सिग्निफिकेंट डिजिट ही देंगे वो, ठीक है ना, और उसके बाद वो क्या कर देंगे, वो लगा देंगे राउंडिंग ऑफ कर देंगे। तो बेसिकली क्या है, अब राउंडिंग ऑफ एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक है कि सिग्निफिकेंट डिजिट का रिजल्ट हम कैसे करेंगे, तो दो चीजें हैं, या तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी या फिर एड और सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये दे रहा है पहला केस क्या है कि मल्टीप्लीकेशन और डिविजन होगा, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द आंसर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द क्वांटिटी विच इज द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है, जैसे मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है 1, 2, 3, 4, 5 को, या थोड़ा आसान लेता हूँ ना, मल्टीप्लाई भी तो कर पाऊँ मैं, जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 3, ठीक है क्या ही करें, अरे ठीक है ना, 4, 4, 4, 4 कर लेते हैं, 4, 4, 4, 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना है मुझे, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया, 8, 8, 8, 8, ये आंसर है वैसे तो, लेकिन अब फिजिक्स में ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट थी, इसमें चार सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो अपने आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट आनी चाहिए। अब एक सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे आएगी, इसको तुम मान लो, इसको तुम राउंड ऑफ करो, तो राउंड ऑफ करोगे एक डिजिट पे राउंड ऑफ करना है, बाकी सबको जीरो लिख देना है, तो एक डिजिट पे राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा, 9000, तो ये आंसर आएगा इसका फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे तुम गलती जब कर रहे, मतलब टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब तुम इतनी बड़ी गलती कर सकते हो कि टू की जगह थ्री होता, ठीक है ना, तो ये सारा के सारा कि ये सिग्निफिकेंट है ही नहीं है, क्योंकि टू के अंदर ही एरर आ गया ना बहुत सारा, तो ये वन सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे वन सिग्निफिकेंट डिजिट। अब तुम बोलोगे सर इसमें चार सिग्निफिकेंट है, नहीं, इसके अंदर मैंने कैलकुलेशन ही ऐसा करा है कि मैं बोलूंगा इसके अंदर चार नहीं ली मैंने, इसके अंदर एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट मैंने ली है, 9 ही सिग्निफिकेंट है, बाकी सब सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है ना, तो बड़ा सिंपल है कैलकुलेट करना, जब भी तुम करो तो ऐसे कैलकुलेट करो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, तो पहला रूल क्या था, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का इसके अंदर लीस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हम आंसर दे देंगे। सेकंड क्या होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, देखो समझो, एडिशन तुम सेम क्वांटिटीज को ही कर सकते हो, एडिशन तुम सेम क्वांटिटीज को ही कर सकते हो। अब जैसे तुमको दो लेंथ ऐड करनी है, एक तो मैंने मीटर स्केल से, एक तो मैंने 12 मीटर मेजर किया, 12.0 12 मीटर ही मान लो, 12 मीटर, एक मैं सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर रहा हूँ 2.5 सेंटीमीटर से मेजर करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आया फॉर एग्जांपल। थोड़ा सा मैं एग्जांपल को और कर लेता हूँ, मैं दो तीन लेंथ बता देता हूँ, बेसिकली एक तो मैंने 12.5 मीटर से मेजर कर रहा हुआ है, एक सेंटीमीटर स्केल से मेजर करेंगे तो अपन 3.2 सेंटीमीटर लेते हैं, तो 3.2 सेंटीमीटर अगर मैं लूंगा, ये तो एक्चुअल मेजरमेंट है मेरा, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, अपॉन तो 0.0032 एक दो दो बार आ गया है ना, तो 0.032 मीटर्स मेजर करा, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर जो आएगा वो 12.532 आएगा, लेकिन एक्चुअली में क्या है ना कि ये जो मैंने मेजरमेंट किया था इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट केवल एक ही है, मैंने आगे 500 बार कुछ नहीं लगा रखा, इसका मतलब इसको मेजर करने के लिए मैंने अच्छी स्केल यूज नहीं करी, मैंने वो वाली स्केल यूज की थी जिसके अंदर 1 मीटर था, फिर 2 मीटर था, और इसके अंदर 10 डिवीजन और थे बस, ज्यादा नहीं, तभी तो मैं 12.5 बोल पाया, फिर 12.6 बोलता और अच्छी स्केल लेता तो इसके अंदर भी झांक सकता था, तो अब सिग्निफिकेंट इसका तो रहेगा ही ना सिग्निफिकेंट, क्योंकि एरर तो इसी के अंदर बहुत सारा आ जाएगा, 12.5 फिर 12.6, तो ये सिग्निफिकेंट अपने पास रहेगा ही नहीं, बस यहीं तक अपन सिग्निफिकेंट आंसर देंगे, 12.5 ही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुमको, जैसे मान लो 12.56 तक मेजर कर लिया इसका, मतलब इस बार मीटर स्केल के अंदर 100 डिवीजन थे, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, इसके अंदर 100 डिवीजन है, तो इसका आंसर मैंने कितना निकाल दिया, 12.56 मीटर। लेकिन अभी भी किस स्केल के बराबर नहीं है, मिलीमीटर, जो अपनी स्केल होती है उसके अंदर सेंटीमीटर को डिवाइड कर रखा होता है ना, इसके अंदर सेंटीमीटर को डिवाइड नहीं कर रखा, तो अपने पास दूसरा जो आंसर है वो अब भी यही है, पॉइंट, अच्छा 0.32 या कुछ और ले लेते हैं, पॉइंट ठीक है 0.032 ले लेते हैं मीटर वापस से, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, तो पहले 12.582 मीटर्स बन जाएगा।
अब इसके अंदर क्या है, वापस से यहीं तक डेसिमल के बाद दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, तो डेसिमल के बाद दो सिग्निफिकेंट फिगर का ही मेजर करना है, इस टू को अपन हटा देंगे, अपना आंसर क्या आ जाएगा 12.58 अपना आंसर आ जाएगा। तो ये सब इसमें बता रखा है, ये पहला रूल था कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के अंदर क्या करोगे, जो लेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे उसको अपन यूज करेंगे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर अपन क्या करेंगे, और राउंडिंग ऑफ बता दूंगा, राउंडिंग ऑफ पैराग्राफ पढ़ लेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर राइट द नंबर्स वन बिलो द अदर विद ऑल डेसिमल पॉइंट्स इन वन लाइन, डेसिमल पॉइंट्स को एक लाइन में लिख दो, नाउ लोकेट द फर्स्ट कॉलम फ्रॉम लेफ्ट दैट हैज द डाउटफुल डिजिट, तो ये डाउटफुल डिजिट हो गया, ऑल डिजिट्स डाउट टू दिस कॉलम आर ड्रॉप, इसके इस कॉलम के बाहर का जो भी डिजिट होगा उसको हटा देंगे और राउंडिंग करेंगे और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। मतलब मैं भी थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले अपन को राउंडिंग करनी है इसकी और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, बाद में नहीं करना। वैसे पता नहीं, पहले तो मैं बाद में करता था, बट ठीक है, अभी ऐसी उन्होंने बोला हुआ है कि पहले राउंडिंग ऑफ करनी है उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है ना। अब अपन राउंडिंग ऑफ देखते हैं, राउंडिंग ऑफ के मैं सीधे एग्जांपल बताता हूँ, तुमको तुमको समझ आ जाएगा। तो राउंडिंग ऑफ में जैसे क्या है, अगर अपन तीन डिजिट तक राउंड ऑफ करते हैं, तीन डिजिट तक बहुत सारी चीजें लेंगे अपन, जैसे मान लो 12.436, 12.14.577, 14.55, ठीक है, 14.0, 1487892, सबको मेरे को तीन डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 12.4, इसका आंसर क्या बन जाएगा 14.6, इसका आंसर क्या बन जाएगा 14.6, इसका आंसर क्या बन जाएगा 14.0, इसका आंसर क्या बन जाएगा 1488000। तो पहले रूल के अंदर मैंने क्या करा कि भाई तीन डिजिट देख लो, उसके बाद छोटे डिजिट ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 12.4 ही आंसर हो जाएगा। इसमें तीन डिजिट देख लो, उसके बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ी है, तो राउंड ऑफ तो करना आता ही ना, तो 5 की जगह 14.6 लिख देंगे इसको, क्योंकि मैंने देखा कि 7 डिजिट है, थोड़ी बड़ी है 5 से, मतलब यहाँ तो भी क्लियर है। तो ये तो समझ में आ गया कि 14.5 के सामने आगे 2 होता तो 14.5 आंसर होता, आगे 6 होता तो 14.6, लेकिन अब 14.55 होगा तो कैसे करते हैं, इसको तीन डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है, तीन डिजिट तक, तो कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे कि हमेशा मैं 5 को कन्वर्ट कर देता हूँ इवन नंबर में। मतलब इसका आंसर तुम 14.5 भी दे सकते थे, 14.6 भी दे सकते थे ना, इसका आंसर तो दोनों की से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये जो है 14.5 और 14.6 से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है ना, लेकिन मैं कौन सा चूज कर लेता हूँ, मैं इवन नंबर चूज कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा रेसिस्ट टाइप है, रेसिस्ट मतलब कि ऑड नंबर सा थोड़ी सी, लेकिन ऐसे चूज कर लेता हूँ 14.0, ऑलरेडी राउंड ऑफ 14.0, अभी बड़ा नंबर है इसको राउंड ऑफ करना है तीन सिग्निफिकेंट डिजिट तक, तो यहीं तक राउंड ऑफ करूंगा, और 147 है तो 8 बाद में आ रहा है, तो इसलिए इसको 148 लिख दूंगा, फिर बाद में 30 लगा दूंगा, सिंपल सा प्रोसेस है बहुत ही, ठीक है ना। ये अगर समझ में नहीं आया तो इसके मैं और एग्जांपल्स देता हूं तुमको, जैसे तीन सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, ऐसा मान लो तो 114.45 है और 14.44 है, 14.46 है, ठीक है, इन तीनों को मैं राउंड ऑफ करके बताता हूँ, फिर 14.55 है, फिर 14.65 है, 14.75 है, तो देखो इसको राउंड ऑफ करते हैं पहले तीन तक, तो यहाँ तक राउंड ऑफ करना है मुझे 14.4 तक, इसके बाद 6 आ रहा है, मतलब ये बन जाएगा 14.5, ठीक है, ये ठीक है, 14.4 है, इसको बाद में 4 है, तो इसको भी राउंड ऑफ करना है मुझे तीन डिजिट तक, मतलब ये क्या बन जाएगा 14.4, ये भी ठीक हो गया। अब 14.45 को कैसे करेंगे, 14.4 लिखता या फिर 14.5 लिखता, तो इसके दो आंसर्स कर सकता हूँ मैं, 14.4 या फिर 14.5, क्योंकि दोनों से ये इक्वल डिस्टेंस पे है, दोनों की एक्जैक्टली बीच में है ये, लेकिन मैं कौन सा चूज करूँगा, 14.4, 14.4 क्यों चूज करूँगा, बिकॉज 14.4 जो है मेरा इवन नंबर आ रहा है। फिर 14.55 देखें तो इसके भी आंसर दो लिख सकता हूँ, 14.5 और 14.6, बट इसमें कौन सा चूज करूँगा, 14.6 ये चूज नहीं करूँगा, बिकॉज ये फाइनली इवन नंबर आ रहा है। 14.65 के दो आंसर लिख सकता हूँ, 14.6 और 14.7, तो इसमें कौन सा चूज करूंगा, ये वाला चूज कर लूंगा, ये नहीं, बिकॉज इसमें लास्ट में इवन है। 14.75 में 14.7 लिख सकता हूँ, 14.8 लिख सकता हूँ, कौन सा चूज करूंगा, ये वाला चूज कर लूंगा, ये वाला चूज नहीं करूंगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बहुत लंबा लेक्चर नहीं करना अपन को, सिंपल सा फंडा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए अपन पहले क्या कर देंगे, उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख देंगे, और मल्टीप्लीकेशन एडिशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो एक बार ये खुद से भी सॉल्व करो, तो 15462 को करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो तीन का मतलब ये करना है, तो मतलब 155 बनेगा और 00 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 आ रहा था, इसलिए 4 को मैंने 5 में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, 14.745, तो 14.7 मतलब इतना करना है, तो ये क्या कर देंगे, 14.7 इसका आंसर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बिकॉज बाद में 4 आ रहा है, मतलब छोटा क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। 14.750
14.750 क्या बन जाएगा, देखो यहां तक लेके देखते हैं एक बार, तो 14.7 आंसर आता। अब इसको राउंड ऑफ 14.7 भी कर सकता हूँ क्योंकि दोनों बीच में आ रहा है, 14.8 भी कर सकता हूँ, बट ये वाला चूज करूंगा, ये वाला चूज नहीं करूंगा बिकॉज ये इवन आ रहा है। 14.650 into 10 की पावर 12, तो जो भी है ये 14.6 लेंगे अपन, एज इट इज 14.6 ले लेंगे into 10 की पावर 12। साइंटिफिक में करना है तो 1.46 टाइम पर फटाफट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये अपने पास आंसर होगा, देखते हैं आंसर संख्या अपने, देखो फर्स्ट का आंसर क्या है 15500, दूसरे का क्या है 14.7, तीसरे का क्या है 14.8 और चौथे का क्या है 14.6 into 10 की पावर 12। सिंपल है 12, ये आगे देख लो एक और सवाल, इवेल्युएट दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो इसको इवेल्युएट अपन ने करा तो ये आंसर आया, बट इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट किसमें, इसमें तीन है, इसमें चार है, इसमें तीन है, तो अपन राउंड ऑफ करके इसको तीन सिग्निफिकेंट डिजिट लगाएंगे, मतलब 10 और यहीं पे रोक देना है मेरे को, बट 39 है तो 39 को मैं 4 में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 104 और फिर आगे 0.0 लगा देंगे अपन, मतलब तो 1040 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सारा सिग्निफिकेंट डिजिट्स था अपना, मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है सिग्निफिकेंट डिजिट्स, एक और एग्जांपल है शायद, ठीक है। तो एक राउंडिंग ऑफ भी देख ली, एक एडिशन भी करके देख लो, तो एडिशन में पहले ही मैं ना इसको राउंड ऑफ कर दूंगा और फिर मैं कैलकुलेट करूंगा, तो 24.36.06, अच्छा इसमें कितने चार है, इसमें कितने हैं तीन है, मतलब लेकिन मेरे को वो देखना नहीं है इस बार सिग्निफिकेंट डिजिट किसने, मेरे को देखना डेसिमल के बाद कितना आ रहा है, डेसिमल के बाद इसमें एक आ रहा है, इसमें चार आ रहा है, इसमें दो आ रहा है, तो मैं एक के साथ ही चलूंगा, 256.2 को लेके ही डेसिमल के बाद फाइनली एक ही मेरा डिजिट आएगा, तो मैं सबको राउंड ऑफ करूंगा सबसे पहले। तो देखो 24.36 को मैंने डेसिमल के बाद एक चाहिए मुझको, तो 24.4 बन जाएगा, ये 0.0 ये 0.1 बन गया है ऑलरेडी क्योंकि मुझे एक ही डेसिमल चाहिए, और ये बन जाएगा 0.2, सबको मैंने कर दिया और फिर राउंड ऑफ करके मेरा आंसर कितना गया 280.7। नेक्स्ट आते हैं एरर्स इन मेजरमेंट, तो इसके अंदर जो एरर्स दे रखा है ना मेजरमेंट के अंदर, वो तुमको फॉर्मूला याद नहीं करना, इसके अंदर रूट मीन स्क्वायर एरर दे रखा है, रूट मीन स्क्वायर, तो इसके अंदर कौन सा एरर दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है इसके अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर। Why is this called as root mean square error? Why is this called as root mean square error? Because पहले मैंने सारे errors का square किया, उसके बाद मैंने उसका mean निकाला, उसके बाद मैंने उसका root लिया। देखो क्या होता है, इसमें एक example दे रखा है, पहले हम वो देख लेते हैं जिससे हमको clear हो जाएगा सीधा ही। जैसे मेरी observations हैं, ये एक focal length है concave mirror की, उसका बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लिए, तो एवरेज फोकल लेंथ निकालना है और अनसर्टेनिटी भी निकालनी है, तो ये फोकल लेंथ दे रखी है सेंटीमीटर में, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज निकाल लोगे, सबको ऐड करके डिवाइड कर दोगे, तो एवरेज फोकल लेंथ आ गई मेरे पास 25.37 आ रही थी, बट राउंड ऑफ करके 25.4 आ गई, ठीक है। अब ये वापस से वही ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, तो 25.4 मेरे पास फोकल लेंथ आ गई एवरेज, तो हमारा एरर का मतलब हम क्या समझते हैं, थोड़ा सा हम ये भी समझते हैं कि जो एवरेज वैल्यू आई उससे कितना दूर है वो ऑब्जर्वेशन, तो ये ऑब्जर्वेशन कितना दूर है, जीरो दूर है, ये ऑब्जर्वेशन कितना दूर है, 0.02 दूर है और छोटा है, तो माइनस ऑफ 0.02, समझ रहे हो, सबके अपन ने माइनस कर दिया, किसके साथ 25.4 के साथ माइनस कर दिया, 25.4 के साथ अपन ने सबको माइनस कर दिया, क्यों कर दिया, बिकॉज अपन ने सबके अंदर एक एरर निकाला, एरर कैसे निकाला, कि अपन ने एक एवरेज वैल्यू निकाली, एवरेज वैल्यू को अपन ने मान लिया कि ये वैल्यू करेक्ट है मेरी, क्योंकि एवरेज करेक्ट होगा ना लगभग, और सबको माइनस करके अपन ने क्या बोल दिया कि सबके अंदर एक छोटा छोटा एरर है, वो एरर्स की लिस्ट ये है, फिर अपन ने उन एरर्स को स्क्वायर कर दिया। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, इंजीनियरिंग में आता है, बीएससी में आता है, तुम्हारे जेई और नीट अगर बच्चे पढ़ रहे हो उनके कोर्स में नहीं होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का एरर, फिर भी मैं समझा देता हूँ बिकॉज ये छोटा सा टॉपिक है, इसको खत्म करते हैं, इसको तुम स्किप भी कर सकते हो, तुम जेई और नीट कर रहे हो तो इसको स्किप करके सीधा नेक्स्ट लेक्चर अपन चालू कर सकते हो एक्सरसाइज वाला, ठीक है ना। तो ये एरर आ गया, एफ आई का मतलब फोकल लेंथ की कोई ऑब्जर्वेशन, माइनस एफ बार का मतलब जो अपन ने एवरेज निकाला, जिसको अपन एक्चुअल वैल्यू मान के चल रहे हैं, तो ये आ गया, फिर इसका देखो स्क्वायर करा, सबका सम कर दिया, फिर इसको n से डिवाइड करेंगे, मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे और फिर रूट निकाल देंगे, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ का आंसर अपन ऐसे दे देंगे 25.4 प्लस माइनस 0.02। वापस मैं बताता हूँ क्या करा इन्होंने एरर का, ये देखो पहले इन्होंने एरर लिखी, पहले तो एरर क्या हो गई, ऑब्जर्वेशन माइनस एवरेज वैल्यू, फिर उसका करा स्क्वायर, ये जो रूट मीन स्क्वायर है इसको ऐसे एरर को ऐसे पढ़ते हैं, पहले एरर पढ़ेंगे फिर स्क्वायर पढ़ेंगे फिर मीन पढ़ेंगे और फिर रूट पढ़ेंगे, आगे भी आएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आएगा, रूट मीन स्क्वायर और भी चीजें आएंगी। तो पहले एरर करा, उसका क्या करा स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है,
फिर उसका मीन करा, मीन करने के लिए करते हैं समेशन अपॉन नंबर कर देते हैं कि सारे एरर्स का स्क्वायर करके उसका समेशन करा अपॉन नंबर कर दिया, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है 10 है, तो ये करा हुआ है समेशन सबका एरर का स्क्वायर अपॉन 10 कर दिया, और फिर किस टाइम अपन रूट पे आ गए तो उसका रूट ले लिया। तो रूट मीन स्क्वायर एक ऐसी चीज है तुमको याद रखनी है, और उल्टा चलते हैं अपन, पहले स्क्वायर करते हैं फिर मीन लेते हैं फिर रूट लेते हैं उसका, इसको ही इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा, सिग्मा बोला हुआ है, ये देखो एरर्स को पहले स्क्वायर करा उसका मीन लिया, मीन मतलब 1/n किया उसको सम करके और फिर उसका रूट ले लिया, इसको अपन स्टैंडर्ड डेविएशन बोला हुआ है, और ये बोला हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही एरर लाई करता है एक्चुअली, है ना। एरर्स की बाकी प्रॉब्लम्स अपन करेंगे जब अपन बाद में करेंगे चीजें, तो इसको अभी तुम यहीं पे हटा सकते हो एज इट इज, क्योंकि ये काम आता नहीं है, IIT में भी नहीं पूछते, नीट में भी नहीं पूछते, और ये मैथमेटिक्स वालों का काम आता है 12th क्लास के अंदर जब वो स्टैटिस्टिक्स कर रहे होते हैं उसके अंदर काम आता है, अपने काम बिल्कुल नहीं आता, 10th में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, काम आया होगा तुमको, है ना। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर चालू करेंगे एग्जाम्पल्स का, चालू करेंगे अपन फटाफट से, सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।